एंड काफी इमोशनली भी हम इसका आंसर नहीं दे सकते सो इसके काफी लॉजिकल तरीके से हमें इसका जो है आंसर देना होता है सो दिस इज द एस एस बी सीरीज जो हम कैरी uh, ऑन करने वाले हैं है ना क्योंकि अभी जो है आपके रिजल्ट आ चुके हैं एन डी एस सी डी एस एंड एफकेट तो इसके जो इंट, इंटरव्यूज है बेसिकली अभी चलने वाले हैं एस एस बी के राइट सो हम इसकी प, uh, एक, हम, uh, जो शॉर्ट्स है उसके मैं प्लान कर रहा हूँ टू तो, uh, एक लाइक uh, बेसिकली like, एक वर्ड है ना हर दिन के लिए बेसिकली डब्ल्यू टी फॉर एवरी डे

तो so, सबसे पहले एक चीज आती है क्वेश्चन आता है कि एक राइट right आंसर क्या होता है बिकॉज़ सही है या फिर ये आंसर सही है राइट right? कि सही आंसर क्या होना चाहिए सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज कैन डिफाइन और डिफेंड योर आंसर इट इज अ राइट आंसर बिकॉज है ना क्यों तो अगर आप सिंपल आंसर बोल रहे हो ना कि सर आई टू सर्व माई नेशन राइट सो अगर आप इस चीज को डिफेंड कर सकते हो कि आप सिर्फ आर्मी से ही क्यों करना चाहते हो आप सिर्फ एयरफोर्स से ही क्यों करना चाहते हो सो so, आपका जो आंसर है वो सही है है बेसिकली राइट सो अगर आपका जो आंसर है, आप अपने जो आंसर को डिफाइन कर सकते हो या फिर डिफेंड कर सकते हो राइट बिकॉज वहाँ पे काफी काउंटर क्वेश्चन आने वाले हैं कि यही क्यों राइट right? आप अगर बोलने वाले हो कि सर मैं गेम्स खेलना चाहता हूँ या फिर यू आर सही कि सर में कोई एडवेंचर करने आप, आप बोल सकते हो कि तुम बाहर भी बहुत है आप ऋषिकेश में जाओ बंजी जंपिंग करो एडवेंचर so के लिए ही क्यों सो so, आपको काउंटर क्वेश्चन मिलेंगे the, na, so, अगर आप अपनी को गलत नहीं होता देन द सेकंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट इट इज अ राइट आंसर बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप अगेन द सेम थिंग आप बोल रहे हो कि, सर मेरे को काफी एडवेंचर पसंद है एंड फिर आपको अगर आपको पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काउंटर क्वेश्चन आता है कि, okay, राजी, uh, okay, राजीव ओके राजीव और एनीथिंग ना

एंड चलो बताओ उसकी लेंथ और वो बताओ ब्रथ बताओ आपको शटल या फिर कोक का जो है बेसिकली आपको वेट पूछ लिया जाए इसका जो आंसर नहीं आता राइट सो so, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि आप बोल रहे हो कि सर मैं इसलिए पैशनेट हूँ या फिर आप बोल रहे हो कि सर मेरे को ये काफी अच्छा लगता है मैं आ, मैंने आई एम सी लिए किया बट स्टिल नॉट रिकमेंडेड तो मैं उसी टाइम से मैं के लिए लगा हुआ बट स्टिल आपको उसकी चीज अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है इवन आपको थोड़ी सी कॉमन इन्फॉर्मेशन नहीं है सो ये चीज आपके लिए नेगेटिव पॉइंट लेके आती है

बट आप फिर भी आप आंसर बोल दे रहे हो कि सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा answer, करेगा, राइट? So, किसी का भी कॉपी करने का कोई भी बेसिकली कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता कि वो बंदा ये आंसर देख रिकमेंड हो गया था बिकॉज आप बोलते हो कि अगर एस जो होता है वो सिर्फ एक चीज से रिकमेंडेड नहीं होता राइट सो हम एक किसी का कॉपी कर सकते नहीं

So, हरे की है ना हर एक अलग चॉइस होती है so है ना uh, either, uh, exactly, no you जो चीज़ है कि है ना कि फिर अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो हम हमें अपना एप्रोप्रिएट आंसर है वो कैसे फाइंड आउट करना है सो so, इसमें सबसे सबसे चीज पहले निकल के आती है वो आती है इंट्रोस्पेक्शन है ना इंट्रोस्पेक्शन वेरी

आपको बाहर की, की, right? की दुनिया को देखने की मिलती है फॉर एग्जाम्पल काफी है ना एक्सरसाइजेस होती है दूसरी कंट्रीज के साथ सो so, होते हैं हर एक पर्सन के पास बहुत से रीजन होते हैं पर बस हमें इसका जो रीजन कैसे निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि क्या

क्योंकि अब आप मैंने अगेन द सेम थिंग की काफी चीजें हैं जो फैसिनेट करती है आर्मी लाइफ की आप बोल सकते हो कि काफी पेस इन द द सेम थिंग एडवेंचर लाइफ गेम्स लॉट्स ऑफ थिंग्स सो अगर 5 7 हैं आपके उसमें आपको इसको एप्रोप्रिएटली फ्रेम भी करना पड़ेगा बिकॉज यू कांट है ना फोकस ही आप सबसे पहले ये चीज नहीं बोल सकते मेरे को पेज इन प्लस मिलते हैं वहां पे बिकॉज ये चीज एक होती है बैक ऑफ माइंड में है ना एक करियर ऑप्शन फैमिली का करियर ऑप्शन लाइक फैमिली की लिए काफी चीजें अच्छी मिलती है बट ये जो आपकी मेन प्रायोरिटी में नहीं रह सकती बिकॉज ऑब्वियसली थिंग है कि अब आप, आप आर्मी में जा सकते हैं आर्मी में जाना चाहते हैं बेसिकली आर्मी नेवी एयरफोर्स सिर्फ एक पैसे के लिए फिर आप एक है ना एक, 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 एक नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं है कि लाइफ अच्छी बन जाएगी बिकॉज बेसिकली लाइफ अच्छी बनेगी घर वालों की, की बनेगी बट स्टिल है ना आपको क्या है बेसिकली

रॉन्ग फ्रेम और राइट right फ्रेम का एक words का सिलेक्शन भी बहुत matter करता है। for example, एक एक example है एक 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 मैंने और लिया कि कि क्या बनती इसमें काफी kindness आ रही है काफी grateful, काफी appreciation आ रहा है, जो कि आपको जीटीओ uh, में भी काफी यूजफुल रहता है इवन इन द लाइफ भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है अभी सेम फ्रेम में कैसे है

सो so, ये एक ऑनेस्टी पे क्वेश्चन आता है राइट right? अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सर मैं देश के लिए ये करना चाहता हूँ मैं काफी कोऑपरेटिव हूँ मैं ये करता हूँ बट इन द सेम थिंग आप जी में कॉपरेट नहीं कर रहे आप दूसरों को है ना आप दूसरे को दूसरे के जो आइडियाज है उनको ट्राई नहीं कर रहे है ना आपको आप नेगली आप नेगलेक्ट कर रहे हो दूसरों को सो so, ये चीजें हैं जो आप बेसिकली ओवरऑल पता लग जाते हैं बिकॉज इट्स नॉट इंटरव्यू ऑफ थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स ये जो इंटरव्यू चलने वाला है फाइव डेज इन प्रोसेस होने वाला है जिसमें प्रॉपर आपके एक क्वालिटीज को ध्यान से देखा जाएगा सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड राइट द सेकंड थिंग इज हाईलाइट रिलेवेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज राइट आप बता सकते हो कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ वी कैंड से मैं फुटबॉल खेलता हूँ आई थिंक मेरी कॉपरेटिव स्किल्स काफी अच्छे मैं कॉपरेट काफी अच्छी तरीके से करता हूँ आप बोल सकते हो सर मैंने इतनी गेम्स में एक्साम्पल आप बोल सकते हो मैंने बैडमिंटन आता है मेरे को क्रिकेट आता है रग्बी खेलता हूँ So, आप, आप, आप इसके अलावा अपनी बता सकते, बता सकते कि को सर, काफी पसंद है राइट मैं इस चीज में काफी अच्छा हूँ जो कि रिलेवेंट है आर्मी से रिलेटेड सो आप उन स्किल्स को ना इसमें क्या कर सकते हो एड ऑन कर सकते हो कि सर इसको हाईलाइट कर सकते हो कि सर ये ये चीजें हैं जो मेरे के अंदर है आर्मी भी सेम चीज है राइट जो आर्मी में, में है या फिर आपके आसपास कोई कंटोनमेंट है या फिर आपके आसपास कोई कोई चीज जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से आपने फील करी हो कि सर जब uh, कोई वॉर हुई थी या फिर एनी थिंगट गिव एनी मोटिवेशन और दर्सनल एक्सपीरियंस जो भी आपको इसीलिए रहा है वो आप इसके साथ एड ऑन कर सकते हो एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लिखा बी प्रोसाइज राइस राइट बिकॉज काफी बार क्या होता है बच्चे ना कहानियां so, अच्छा ट्राई करना करता है बट ये काफी रॉन्ग चीज है इसमें क्या होता है कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं दिखा रहे हो बिकॉज आप सिर्फ एक कहानियां बनाए जा रहे हो इट्स रॉन्ग थिंग राइट बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट ही डालने वाली है जो चीज पूछी जाए उसको आपको उतना ही आंसर देना है बी प्रसाइज बी करेक्ट एंड बी स्टेट फॉर राइट कॉल पेड एज एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू गिव समूर रिस्पेक्टिव राइट कई बार आप सिर्फ हमारा बोलते रहते हैं कि सर मेरे को ये मिलेगा मेरे को ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा बट यू आर नॉट टेलिंग डेम सर अगर मैं इसमें जाऊंगा तो आई विल ट्राई टू डू दिस थिंग फॉर माई नेशन आई विल टू ट्राई टू डू दिस थिंग फॉर माई रिस्पेक्टिव फोर्स राइट

Then उसके बाद आता आता है है डोंट्स। so, सबसे पहले कि अवॉइड क्लीशे बेसिकली आप बहुत ही जो कॉमन आंसर हैं, राइट कि सर uh, मैं देश को सर्व जाता हूँ बैड बट आपको कुछ यूनिकनेस दिखानी पड़ेगी इफ यू आर सेइंग सर मैं सर्व करना चाहता हूँ सिर्फ आर्मी से ही क्यों आ, नेवी से ही क्यों यू इट

जो so कॉमनली चला आ रहा है वो उसने भी बोल दिया मैंने भी बोल दिया सो यू कैन आप सिर्फ नहीं कर सकते रह सकती है बट काफी लेस प्रायोरिटी रहेगी आपकी चौथी पांचवी छोटे नंबर पर आपकी प्रायोरिटी रहेगी आप इसको सबसे पहले नहीं बोल सकते राइट right? देन उसके बाद हम क्या करते कि बार बोलते हैं कि सर मेरे को ये ज्वाइन क्यों करना आप क्या करते हैं इसके चक्कर में ना दूसरे करियर पास जो है

है ना आपकी आप कोऑपरेटिव आप नहीं हो सकते या फिर किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते तो आप पे so आप, वहाँ पे आपके नेगेटिव डोंट है डिसरिस्पेक्ट अदर करियर पास और आपसे क्वेश्चन प्लान बिकॉज है ना बैक का प्लान भी जरूरी है तो वहाँ पे वो क्वेश्चन भी आएगा तो डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर करियर पास नेक्स्ट इज अवॉइड ओवरली इमोशनल रिस्पॉन्सेज है ना काफी काफी फनी इंसिडेंस यहाँ पे उनको बोला गया था कि बॉम्ब निकालने तो वहाँ पे वो बोलता है कि सर वो कूद गया था जब उसको बराबर बार बार प्रेशर दिया जाता था जा रहा था कि टाइम खत्म टाइम खत्म जस्ट सेट कि मैं कूद रहा हूँ मेरी मम्मी को बता देना उनको बता देना कि मैं शहीद हो गया सो आर द इमोशनल थिंग्स थिंगस इमोशनल रिस्पॉन्स राइट सो ये चीजों को अवॉइड करना है प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है बेसिकली प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है ना रिटीन में भी काम आती है प्रैक्टिकल थिंकिंग को भी हमें यहाँ पे यूज करना है देन द नेक्स्ट थिंग इज डोंट यूज वर्ड्स लाइक मे बी आई थिंक और लाइक like वर्ड्स जो तुम्हारे एक डाउट दिखाते हैं राइट? Right? बिकॉज़ जो डाउट्स होते हैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा सो so बेसिकली आपको अपने वर्ड्स के साथ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा राइट right? बिकॉज वहाँ पे एक uh, कर्नल राजीव भारवान सर की भी काफी फेमस वीडियो है कि वहां पे आई कॉन्टेक्ट वाली

दे सकते हैं जो अंडरलाइन कर सकते हो कि मेरे को ये चीजें अवॉइड कर सकता हूँ मेरे रहना है मैंने ये चीज करनी है बट हम मैं अगर मैं से बात करूँ फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है या फिर कोई स्टूडेंट है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते किसी के गेम्स काफी अच्छे हैं वो नेशनल लेवल पे खेला है so, और काफी गेम्स खेला है तो ही सर आई थिंक यू कैन से टू राइट टू टू बेसिकली अपने देश के लिए खेलने के ना टू रिप्रेजेंट माई कंट्री तो वहां पे भी आप ऑप्शन मिलने वाले आप दिखा रहे हो कि मैं हाँ मैं

कि so, yes. so, uh, uh, वर्क बेसिकली आप अगर आप स्टिल आपको चाह रहे हो क्योंकि आप दिखाते हैं कितनी लेक योर आंसर योर आंसर की क्या इसका आंसर होने वाला है क्या तो तो तो, आप आंसर निकाल सकते हो बट आप अगर आप गूगल से या चैट जीपी से निकाल के कोई भी आंसर देने वाले हो तो आप खुद से ही न्याय नहीं कर रहे right? सो ऑलवेज अवॉइड दो थिंग्स खुद पर भरोसा रखो जो होगा अच्छा होगा राइट एंड कीप वॉचिंग दिस एस एस बी सीरीज थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद